उसने साजिश के तहत वहां कैमरा लगाया था। उसने मेरे घर वालों को जिंदा जलाने की धमकी दी। एल्विस यादव ने सागर ठाकुर से मारपीट मामले में क्या सफाई दी? और जो मारपिटाई मैंने करी उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ कि ज्यादा मार दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। मैं भी इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है सभी लोगों से, जिन लोगों को लगा कि एल्विस की छवि नहीं थी, एल्विस ने गलत किया, उन लोगों से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं ऐसा असल जिंदगी में नहीं हूँ, मैं मारपिटाई नहीं करता। चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई, आपको अगर ढंग से पता हो, या फिर इससे पुरानी CCTV की फुटेज निकलवा लेना जितने भी थे, ये 4 जने थे। बिग बॉस OTT2 के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव एक बार फिर गलत कारणों से सुर्खियों में हैं। एल्विस के खिलाफ सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन से मारपीट करने के आरोपों में FIR दर्ज हो चुकी है। उनकी गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां उन्हें सागर ठाकुर को मॉल में बुलाकर मारपीट करते देखा जा सकता है। इस मामले को लेकर जहां एल्विस और सागर के फैंस सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं, वहीं अब खुद एल्विस यादव ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा पक्ष भी आप लोगों को सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि असल में माजरा था क्या। उनका कहना है कि बीते 6-7 महीने से सागर ठाकुर उन्हें उकसा रहा था, उन्हें और उनके घर वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। हालांकि सफाई में भी एल्विस की बातों में कहीं किए पर पछतावा जैसा कोई भाव नजर नहीं आता, वो सिर्फ अपना पक्ष रखना जानते हैं, अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में FIR के बाद एल्विस यादव ने 13 मिनट का वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि एक साइड की स्टोरी है और विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है, उन्हें भी अपनी साइड की कहानी कहने का हक है। एल्विस ने कहा, आप उसका ट्विटर हैंडल खोल कर देखो, जब से मैं बिग बॉस में गया हूं तब से वे बीते 8 महीने से मुझे उकसा रहा है, पोक कर रहा है, वे अपने हर पोस्ट में मेरे खिलाफ लिख रहा है, बोल रहा है मुझे और मेरी आर्मी को गवार दोगला। मैं उससे मिला भी था, हमने एक शूट भी साथ में किया था, लेकिन फिर उसके बाद उसका अंदाज बदल चुका है। एल्विस ने आगे कहा कि इसके बाद वो मेरे बारे में कुछ भी बोलता जा रहा है, मैंने भी मजे मजे में उसे हैंडल करने का सोचा और उसके पोस्ट पर जवाब देने लगा। इसी दौरान मैंने उसके एक पोस्ट पर लिखा कि दिल्ली में ही रहता है तू, इस बात का ध्यान रखियो। मेरे पास इसका नंबर था, मैं चाहता था कि इसे फोन करके बातचीत करूं, चीजें खत्म करूं, मैं बात करूं कि तुम मेरे खिलाफ इस तरह का क्यों लिखते हो, इतना क्यों लिखते हो। इसको मैंने मैसेज किया तो इसने कहा कि मिल लेते हैं ना, मैंने कहा ठीक है, फिर इसने वो सारी चैट भी अपनी सोशल मीडिया पर डाल दी। एल्विस ने बताया कि उन्होंने सागर को घर की लोकेशन भेजी थी, लेकिन उसने उन्हें बाहर मिलने की बात कही। इसके बाद इसने स्टेटमेंट दी कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, इसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी। इसके बाद मामला थोड़ा गर्म हो गया। इसके एक दोस्त की दुकान है कपड़ों की, इसने वहां पूरा सेटअप किया कैमरा लगाकर, प्री प्लान कैमरा लगा रखा था। मुझे पता है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अकेला है, हालांकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4 लोग थे। मेरे साथ जो लोग थे वो मुझे रोक रहे थे, ना कि मार पीट कर रहे थे। अब ये तो थी एल्विस यादव की सफाई, इसके अलावा सागर ठाकुर की सफाई हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन इन दोनों में से किसकी बात दमदार है? क्या सचमुच दोनों में से कोई बेगुनाह है? दोनों में से किसी की बातों में निर्दोषपन की झलक है? ये आप तय कीजिए, कमेंट करके बताइएगा।